तो दोस्तों सामने से देख सकते हैं गाँव घर, जो एक रेस्टोरेंट है जो झारसुगुड़ा में पड़ता है, देख सकते हैं। तो फिलहाल आए हैं हम लोग, मेरी दीदी, उसके फ्रेंड और कुछ भाई लोग के साथ आए हैं हम रेस्टोरेंट, कुछ खाना पीना करेंगे। चलिए अंदर जाते हैं। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको इसका डिजाइन कुछ दिख जाएगा। तो सो फिलहाल तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे मैं उड़ीसा में नहीं, मुंबई में मुझे ऐसा लग रहा है, देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम अपने अपने टेबल में बैठ चुके हैं, देख सकते हैं तीन लोग हैं और ब्रदर हैं, लोग भाई लोग हैं, तो यहाँ पे बाद में वही उन्हें से बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम ऑर्डर किए हैं क्या चीज़, लिट्टी चोखा जो बिहार का एक ट्रेडिशनल डिश है। चलो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कितना मजा आता है। तो अभी मजाक मस्ती चल रहा है, देख सकते हैं भाई लोग अभी देख सकते हैं। दोस्तों इसका जो बोलते हैं इंटीरियर डिजाइन काफ़ी मुझे बहुत डिफरेंट लगा, सबसे यूनिक है थोड़ा। और ऊपर देखो थोड़ा राजस्थान जैसा फील आएगा, नीचे देखो तो थोड़ा मुंबई जैसा फील आएगा, देख सकते हैं। यस, कुछ बोलना चाहेंगे? अभी नहीं बोलेंगे, खाने के बाद बोलेंगे। तो ऐसा लग रहा है उसके बाद ही रिव्यू देंगे। चलो ठीक है। तो अभी हम फिलहाल ट्राई करने वाले हैं, देखेंगे कैसा टेस्ट है। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा, हो रहा है? चलो बढ़िया। ये टमाटर अच्छा, चलो अपने हिसाब से खाएंगे। नहीं ठीक है, बैगन में बता चौका। चलो देखते हैं क्या होता है। आगे बहुत अच्छा लगा। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, बहुत वेट हो गया। स्टार्ट कहाँ से करते हैं? कहाँ के, पानी से स्टार्ट करो। ये बोलते हैं लिट्टी, नहीं लिट्टी चोखा। चलो टेस्ट करते हैं भाई। नहीं बोलना, सॉरी, ऊपर मोहन वाले वाला हो, बात करो। तो क्या चीज़ ऊपर वाला? अंदर में स्टफिंग है, ये आटा का है, अंदर में सत्तू है। अच्छा, अंदर सत्तू है? सत्तू नहीं, सत्तू। हाँ सत्तू। और ऊपर आटा है ना, उसमें बनाता है आटा? है आटा। अच्छा बनता है। चलो कमर हो कौन अच्छे दोस्तों। अभी मैं खा रहा हूँ बिहार का ट्रेडिशनल फूड जो लिट्टी चोखा बोलते हैं, जो कि सत्तू और आटा में बनता है। और ये जो देख सकते हैं चटनी वगैरह, ये है मिर्ची की चटनी और ये है टमाटर की चटनी और ये है हमारे बैगन का पत्ता और कुछ सलाद। दोस्तों ये पूरा हेल्दी फूड है जो कि हम सभी लोगों को खाना चाहिए, शरीर के लिए हमारे बहुत फ़ायदेमंद है और ज़रूर ट्राई करें। लग रहा है बताओ जी? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन जब बिल होगा तब पता। ये बात तो सही कही आपने। एक्चुअली बाहर में हम लोग खाते हैं तो 10-20 रुपए चल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे। चलो ठीक है, दिल की बात कही अभी नहीं। दोस्तों फिलहाल अभी मैं एक तो खा चुका हूँ, पेट भर गया। तो अभी मैं सोच रहा हूँ
आप आऊँगा कि नहीं देखते हैं, घर लेके जाऊँगा। रिव्यू लेते हैं, चलो बताओ। सब तो बढ़िया है, मेरे हिसाब से थोड़ा चोखा और मिल जाता जैसे बाहर के मिलता है। तो दे देंगे लेकिन पैसा डबल देंगे, क्या बोलते बोलो। दिल से बुरा लगता है। दोस्तों देख सकते हैं, ये है यहाँ के मेनू जो कि बहुत सारे फूड आप सब लोग को मिल जाएगा, जैसे कि कैफे और रेस्टोरेंट में हल्का फुल्का जो खाना मिलता है और फास्ट फूड यहाँ पे ऐड है। दोस्तों खाने के हिसाब से प्राइस यहाँ पर रखे हुए हैं, आप पूछ करके देख सकते हैं, और यहाँ होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। फिलहाल अब हमारा हो चुका है लिट्टी चोखा फिनिश, देख सकते हैं। तो एवरीवन कैसा लगा बताइए? बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा बढ़िया, चलिए अभी तो चलिए दोस्तों यहाँ के ओनर से बात करेंगे, चलिए उनके मतलब जो इस रेस्टोरेंट के ऊपर बात करेंगे, आइए। हेलो सर, नमस्ते, कैसे हैं सर, बताइए। ठीक है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको थोड़ा टाइम दिए, और आपका जो लिट्टी चोखा जो बनाए बहुत अच्छा लगा हमको, दिल पूरा जीत लिया आप लोग। तो इसके ऊपर थोड़ा बताइए, मतलब आपका आइडिया कैसे आया, आप कहाँ से मतलब आइडिया कैसे? ये तो आइडिया हम लोग का, क्या इसको क्या कहा जाएगा, हम लोग का तो, हम लोग बिहार से रहने वाले हैं, पटना बिहार में काफ़ी फेमस है लिट्टी चोखा। हाँ जी, बिहार यूपी में ज़्यादा फेमस है जी, और ये हम लोग बहुत चाव से पसंद भी करते हैं जी, जी। इसलिए हम लोग यहाँ पर रखे कि यहाँ कहीं भी अभी हम लोग नहीं देखे थे जी जी, और इसका हमको अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है लिट्टी चोखे का जी जी। इसका गांव भर इसलिए नाम रखा आदमी कि इसमें जितने भी हम लोग फूड आइटम रखे हैं सब देसी है। देसी है, हाँ चलो बढ़िया। कुछ इसमें आदमी रख दिया है कि उसके अलावा भी बहुत आदमी आते हैं कि चाइनीज खोजते हैं, तो उसमें चाउमीन उमिन सब डाल दिया आदमी, फास्ट फूड में आ जाता है। हाँ फास्ट फूड में डाल दिए हैं जी, जी। तो और सब जो भी मेरा खाना है सब देसी है जी। हाँ अच्छा, प्योर देसी स्टाइल में मिलेगा। हाँ जी, मतलब कब से आपका ये रेस्टोरेंट है? ये हमारा कोविड के पहले से है, 2000, क्योंकि मैं तो पहले नहीं रहता था, पहले बेटा मेरा रहता था, और हम तो एक साल से रह रहे हैं जी जी। ये हमारा 2019 या 18 के लास्ट से है जी जी जी। मतलब बिहार में तो बहुत काफ़ी फेमस है मेरे को पता है, लेकिन मैं समलपुर से आया हूँ सर, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपका जो इंटीरियर डिजाइन दिल जीत लिया सर। और एक चीज़ बताइए, इसका लोकेशन थोड़ा बता दीजिए, मतलब कोई भी वीडियो देख के आएंगे तो उसका। इसका लोकेशन है सरबहाल रोड, इस साइड कहलाता है जी जी, बिग बाजार के पीछे है। ये फूड लाइसेंस है नहीं जी जी, जी जी। और चीज़ बताइए सर, जो आप जो ये लगाए हैं जो ओल्ड मूवी का जो पोस्टर लगाए हैं, इसका मतलब आइडिया कैसा आया, इसका रीजन क्या है बताइए थोड़ा। ये सब हमारे बेटे का आइडिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेरा आइडिया नहीं है जी जी। वो इस लाइन में जी, और ये सब करने में उसको बहुत अच्छा फील होता है जी जी। वो तो अभी अपना प्लांट के काम से बिजी है, इसलिए यहाँ नहीं आ पाता है जी जी, इसलिए मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपका रेस्टोरेंट जब भी हम विजिट करेंगे झारसुगुड़ा में जरूर आएंगे हम लोग, और आप भी दोस्तों कहीं से भी देख रहे हैं आप एक बार जरूर झारसुगुड़ा आइए, और झारसुगुड़ा आ रहे हैं तो जरूर यहाँ पे आइए। इसका लोकेशन तो सर बता दिए हैं, और इसका लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं ठीक है। तो चलिए सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, फिर जब आएंगे मिलेंगे सर, ठीक है, थैंक यू सर। फोटोग्राफी चल रहा है अभी फिलहाल, कैमरामैन भी रेडी है, और जो कैमरा लाइट वाला देख सकते हैं, वो खास करके मुंबई से लाए हैं हम लोग। दोस्तों सामने से देख सकते हैं श्री नारायण अपार्टमेंट, उसका लेफ्ट साइड में वही गांव घर का रेस्टोरेंट है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फ्लैट वगैरह है, देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और जो रेस्टोरेंट में हम घुसे थे, मतलब जो लिट्टी चोखा खाए, ज़बरदस्त लगा। जब भी विजिट करना झारसुगुड़ा में एक बार जरूर आए। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसे न्यू ब्लॉग देखने के लिए। और दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं कुछ न्यू ब्लॉग में, थैंक यू।